नमस्कार, सत्यमेव जयते में आपका एक बार फिर स्वागत है। सत्यमेव जयते वो कार्यक्रम है जहां पर हमारी जो बहस है, हमारी जो चर्चा है, उसका एकमात्र मकसद है कि आप तक हम सत्य को पहुंचाएं। बहस के खत्म होने तक हम एक सार्थक जवाब आपको दे सकें और सार्थक जवाब के साथ हम ये चीज़ आपके सामने रख सकें कि इस बहस के बाद आखिर निकल कर क्या कुछ सामने आता है। दर्शकों, किसी के लिए मुद्दा छोटा हो सकता है, किसी के लिए मुद्दा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये देश की संस्कृति के लिए एक मुद्दा बड़ा है। देश में लगातार कोशिशें होती रहती हैं कि किस तरीके से देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करती जा सके। दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक दूसरे को अब दिवाली की शुभकामनाएं नहीं देंगे, मतलब इसको जश्न रिवाज कहकर अब इसको मनाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? दर्शकों, एक बार फिर एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी जायंट कंपनी ने दिवाली को जश्न रिवाज बताया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इससे पहले भी कई कंपनियां हमको बता चुकी हैं कि पटाखे फोड़ो, हमको बता चुकी है कैसे बचाओ। तो दर्शकों, क्या ये सब सारी चीजें हिंदू त्योहारों पर ही निकल कर आती है? क्या हिंदू त्योहारों को ही एक निशाना बनाया जाता है कि हिंदू त्योहारों पर ही क्या हमको प्रदूषण के खिलाफ लड़ना है, क्या हमको पानी बचाना है? मैं भी पहले इसके साथ था, मैं भी पहले कहता था कि दिवाली पर पटाखे कम फोड़ने चाहिए, प्रदूषण का मसला है। लेकिन आईपीएल की जब शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा, तो पटाखे फूटेंगे। जब न्यू ईयर की शुरुआत होगी तो पटाखे फूटेंगे। जब विश्व में फुटबॉल का यूरो कप होगा तो पटाखे फूटेंगे। लेकिन एक दिन, एक शाम और वो एक रात जब पूरा देश एक हिंदू त्योहार को मनाता है जिसके कोर में पटाखे फोड़ना, दीप जलाना, ये उस त्योहार का मूल है, वहां पर अगर आपसे कहा जाए कि पटाखे मत फोड़ो आज, तो क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ना या हिंदू त्योहारों पर चोट करनी? जब क्रिकेट के मैच होते हैं, फुटबॉल के मैच होते हैं, नववर्ष के त्योहार मनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी शूटिंग्स होती हैं फिल्मों की, तब पानी को गैलन्स के हिसाब से बहाया जाता है, बर्बाद किया जाता है। लेकिन एक दिन आपसे कहा जाता है कि होली पर इस बार पानी नहीं चलाएंगे, पानी का उपयोग नहीं करेंगे आप, तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी मंशा पानी बचाने की है या हिंदू त्योहारों पर चोट करने की? दर्शकों, लगातार देश का एब्रमाइजेशन करने की लगातार कोशिशें की जाती है, लगातार। और एक बार फिर यह कोशिश हुई है, इस बार इस कोशिश को किया है फैब इंडिया ने। फैब इंडिया एक कंपनी है जो कुर्ते बनाती है, जो ट्रेडिशनल वेयर्स बनाती है, इस बार भी आए, सामने आए, एक एड लेकर आए। उनके विज्ञापन में क्या था? उनके विज्ञापन में यह कहा गया था कि इस बार दिवाली की जगह जश्न रिवाज बनाया जाएगा। तो जश्न रिवाज बनेगा इस बार, दिवाली नहीं बनेगी बल्कि जश्न रिवाज बनेगा। दर्शकों, पहली दफा यह कोई मसला नहीं है, यह ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग शांत हो जाते, ठीक है, हो गया, किया होगा, इस पे इतना ज्यादा नाराजगी जाहिर करने की क्या जरूरत है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बार बार त्योहारों को बदलने की, बार बार हिंदू त्योहारों पर चोट करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ आप जाकर देखिए, किसी भी त्योहार के बारे में बोलकर देखिए, बम पटाखे तोप तवंचे सब चलने के आसार रहते हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों पर लगातार इस तरीके की चोट की जाती है। और इसके बचाव में वही हिंदू कहते हैं कि ठीक है, हो गया। इससे पहले दर्शकों, एक अन अकेडमी है, बहुत बड़ी एक संस्था है जिसके एप्लीकेशंस बहुत सारे बच्चे आजकल, छात्र आजकल डाउनलोड करके रखते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के साथ साथ उसमें यह भी बताया जाता है कि रामायण का मखौल कैसे बनाना है। एम्स के कुछ छात्रों ने रामायण को दोबारा से रिप्रेजेंट किया, उन लोगों ने एक स्किट किया, एक थिएटर किया और उसमें रामायण का खूब मखौल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हिंदू कहते हैं कि ठीक है, होता है, ठीक है, चलता है। दर्शकों, इससे पहले तनिष्क के एक एड में भी ऐसा ही किया गया, एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान परिवार में ब्याहता दिखाया गया, वो आती है और खूब अच्छे से इसको संजोया गया कि देखिए मुस्लिम परिवार में एक हिंदू महिला का किस तरीके से सम्मान होता है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम महिला को दिखाया जाए? ये इस देश में नहीं होता। तो इस देश में बार बार ये सब क्यों होता है? इसके पीछे जवाब, जवाब दरअसल ये है कि बार बार ये लोग देखते हैं कि आप जो टॉलरेंस वैल्यू है वो कितनी है, आप कहां तक टॉलरेट कर सकते हैं चीज़ों,
जैसे ही इन्हें लगता है कि नहीं यहां गड़बड़ हो गई, वैसे ये हाथ पीछे बढ़ा देते हैं। दर्शकों, एक रेप हुआ था जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, कठुआ, सबने सुना। बॉलीवुड की पूरी एक लॉबी उसके खिलाफ सामने आ गई, प्ले कार्ड्स लेकर सामने आ गई। क्या उसके बाद देश में कोई रेप नहीं, कोई बलात्कार की घटनाएं नहीं? लेकिन वहां पर एक मंदिर इन्वॉल्व था एलिजिटली, तो इसको लेकर एक विश्व पटल का क्या कहूं, इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। देश की जानी मानी हस्तियां प्ले कार्ड लेकर सामने आ गई। तो बार बार ये जो हिंदू फेस्टिवल्स पर, हिंदू त्योहारों पर, मंदिरों पर ये जो चोट की जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, पाकिस्तान में मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, यही तो इसका परिणाम है। और हिंदुस्तान में भी ये कोशिश है, ये एक्सपेरिमेंट लगातार जारी है कि किस तरीके से त्योहारों पर चोट की जाए, किस तरीके से परेशान किया जाए। और ये देख रहे हैं, आपकी टॉलरेंस वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि कब तक आप टॉलरेट करेंगे। आप जहां पर बिफर जाते हैं वहीं ये लोग वापस अपने हाथ खींच लेते हैं। लेकिन जिस दिन बिफरना बंद हो गया, उस दिन ये लोग पलट कर रख देंगे। ये सोची समझी साजिश का नतीजा। इसी पर आज का कार्यक्रम है, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही बार बार चोट क्यों की जाती है, कि आखिर ये बड़े ब्रांड्स, सो कॉल्ड बड़े ब्रांड्स, बार बार हिंदू त्योहारों को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं, कि आखिर बार बार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जो है वो दिवाली की रात ही क्यों लड़ी जाती है, और पानी को बचाना है तो होली के दिन ही क्यों बचाना है, और दिवाली क्या नाम ठीक नहीं है, इसका नाम उर्दू के नाम से क्यों जोड़ना, इसको एक नया नाम देने की जो कवायद, जो कोशिश फैब इंडिया ने की है, तो आखिर क्यों की? इसको लेकर तेजस्वी सूर्या BJYM के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि दिवाली को दिवाली रहने देना चाहिए, इसको बिल्कुल भी नाम बदलने की कोशिश नहीं करी जानी चाहिए, इसको अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही कुछ ही लोग नहीं, आज पूरा भारत कह रहा है कि जो भारत में जो लोग कुछ मंसूबे पाले हुए हैं हिंदू त्योहारों पर, जो चोट करना चाहते हैं, जो हिंदू त्योहारों को बार बार टॉलरेंस वैल्यू चेक करके उनका नामोकरण, उनका नामकरण अलग तरीके से अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अब उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अब भारत इसको इससे ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज सत्यमेव जयते में यही कार्यक्रम है, यही मुद्दा है जिस पर बहस होगी। उससे पहले आपकी रिपोर्ट थी, ठीक है, तो यही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, आपके सामने एक पैकेज होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अब पूरा देश ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, और फैब इंडिया अब पीछे हट गया है, बैकफुट पर आ गया। फैब इंडिया कह रहा है कि नहीं, वो तो दरअसल झिलमिल सी दिवाली, ऐसा भी एक लेकर आने वाले थे। उससे पहले जसने रिवाज लाए थे ताकि वो अपने ट्रेडिशनल वेयर्स को इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि कुर्ता पजामा बढ़िया बिकेगा। हिंदू के त्योहारों का अगर आप उनका मजाक बनाएंगे तो कुर्ता पजामा बढ़िया बिकेगा, ऐसा सोचना हो सकता है फैब इंडिया का। लेकिन अब जब हिंदुस्तान के लोगों ने रिटेलिएट किया, जब हिंदुस्तान के लोगों ने विरोध किया, तो अब फैब इंडिया पीछे हट गया, अब कहता है कि झिलमिल से दिवाली लेकर आएगा, कोई जरूरत नहीं। भारत के लोग जानते हैं कि दीपावली कैसे मनानी है, भारत के लोग जानते हैं कि होली कैसे मनानी है, भारत के लोग जानते हैं कि बाकी त्योहारों को कैसे मनाना है। किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी की जरूरत नहीं है, किसी भी विदेशी ब्रांड की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्रांड, किसी भी सो कॉल्ड बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है कि वो हिंदुओं को समझाएंगे कि उनको त्योहार अपने कैसे मनाने। और महज इसलिए कि सनातनी आजकल शांत है, सनातन धर्म पर किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से चोट की जा सकती है, तो क्या बार बार इसी तरीके से त्योहारों पर बार बार यही जिक्र किया जाएगा? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह मुद्दा महज आप बांटने की कोशिश करने वाला भी हो सकता है। इस मुद्दे को आज उठाया ही क्यों गया? क्यों तनिष्क ने अपना ऐसा एड बनाया, क्यों फैब इंडिया ने इस तरीके का एड बनाया, क्यों एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स ने इस तरीके का रामायण का मखौल बनाया, क्यों बार बार हिंदू त्योहारों को लेकर, हिंदू भगवानों को लेकर फिल्में बनाई जाती हैं, और कहा जाता है कि सनातनी आप थोड़ा सहिष्णु हो जाइए, थोड़ा सा टॉलरेट करिए, और तब तक टॉलरेट करिए जब तक पूरी तरीके से आपके सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। और इसको सहना, बर्दाश्त करना क्या नियति है, और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। होम डेकोर, कपड़ों और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को सेल करने वाली बड़ी कंपनी फैब इंडिया विवाद का शिकार हो गई है।
दरअसल कंपनी ने हाल ही में फेस्टिव सीजन पर जश्न रिवाज कैंपेन शुरू किया। दिवाली के मौके पर जश्न रिवाज कैंपेन की शुरुआत के साथ फैब इंडिया ने एक ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने फैब इंडिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बताते चलें कि फैब इंडिया ने दिवाली के मौके पर अपने फैशन ब्रांड को प्रमोट करते हुए ट्वीट किया था। इस ट्वीट में फैब इंडिया ने अपनी सभी मॉडल्स की रेड आउटफिट में पिक्चर अपलोड की थी और ट्वीट में फैब इंडिया ने लिखा था, जैसा कि हम प्यार और प्रकाश के त्योहार का स्वागत करते हैं। फैब इंडिया द्वारा जश्न रिवाज एक ऐसा संग्रह है जो खूबसूरती से भारतीय संस्कृति को नमन करता है। फैब इंडिया जश्न रिवाज एक संग्रह जो देश के रंग, माहौल और व्यक्तित्व को गले लगाता है। बस फिर क्या था, इस ट्वीट के बाद सोमवार से ही सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच गया। नेता से लेकर उद्योगपति तक सब ट्विटर पर इस कैंपेन पर रिएक्ट कर रहे हैं और इसे हिंदू परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पई ने भी इस मामले में फैब इंडिया के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दीपावली पर फैब इंडिया का बहुत ही शर्मनाक बयान। हालांकि ये ट्वीट का सिलसिला यही नहीं थमा, ये लगातार बढ़ता गया, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि दीपावली एक संस्कृति है, दीपावली एक सनातन धर्म का बेहतरीन त्योहार है, तो दूसरी तरफ इसे जश्न रिवाज से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये एक हिंदू धार्मिक त्योहार है, जैसे क्रिसमस और ईद दूसरों के लिए है। उन्होंने आगे लिखा, फैब इंडिया का इस तरह का बयान एक धार्मिक त्योहार को खत्म करने की सोची समझी कोशिश को दर्शाता है। इसके साथ ही फैब इंडिया के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या भी काफी भड़के नजर आए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर जश्न रिवाज नहीं है, इसका विरोध और बहिष्कार होना चाहिए। फैब इंडिया जैसे किसी भी ब्रांड को ऐसी हरकत के लिए उसे आर्थिक नुकसान झेलना चाहिए। देखिए, अगर भारत में ब्रांड की बात की जाए और इस तरह की कंपनी की बात की जाए जो कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, कपड़े, होम डेकोर जैसी सामान बेचते हैं या बनाते हैं, पहली बार विवादों में नहीं फंसे हैं। इससे पहले भी तमाम ब्रांड्स हैं जो विवादों में फंस चुके हैं। अगर आप तनिष्क की बात करें तो तनिष्क बहुत बार विवादों में फंसा है। लव जिहाद जैसे आरोप उस पर लगे हैं कि वो एड के माध्यम से लव जिहाद को बढ़ाने की कोशिश करता है। और सिर्फ तनिष्क क्यों, इसके अलावा और भी ऐसे तमाम ऐड हैं जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और एक बार फिर से अब फैब इंडिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही कई और लोगों ने भी फैब इंडिया के ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं देते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं बवाल को बढ़ता देख फैब इंडिया कंपनी प्रबंधन ने भी इस मामले में अपनी सफाई दे दी। कंपनी ने कहा है कि ये कैंपेन तो समूचे भारतीय परंपरा के परिधानों के लिए है और दिवाली कलेक्शन के लिए एक नया एड कैंपेन में आएगा। हालांकि फैब इंडिया ने कोशिश तो बहुत की अपने आप को बचाने की, लेकिन ऐसा बच कर निकल जाए फैब इंडिया कैसे हो सकता था। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो इसको भी लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये सफाई देना काफी नहीं है, आर्थिक नुकसान उसे झेलना पड़ेगा, शर्मनाक है ये। हालांकि फैब इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि समूचे भारतीय परिधान के लिए है जो परंपरा के विगत आते हैं। दिवाली का कलेक्शन अभी नहीं आया है और दिवाली का कलेक्शन जैसे ही शुरू होगा उसके लिए नया एड कैंपेन आएगा, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लोग तो फिर से वही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू धर्म के त्योहार हैं उन्हें खत्म करने की सोची समझी कोशिश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इतनी छोटी सी बात पर सोशल मीडिया पर बवाल क्यों मचा देते हैं, क्यों ऐसा होता है कि फैब इंडिया हो, तनिष्क हो, कुछ भी ऐसा। तो बार बार ये कोशिशें क्यों होती हैं, क्या ये कोशिशें महज इत्तेफाक हैं, क्या बार बार जो हिंदू त्योहारों को लेकर जो अलग अलग तरह के विज्ञापन आते हैं, जो विवाद पैदा करते हैं, जो ट्विटर पर ट्रेंड बनते हैं, क्या ये सोची समझी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार जब हिंदुओं को लेकर कुछ भी मूवीज बनाई जाती हैं, विज्ञापन बनाए जाते हैं, एड्स बनाए जाते हैं, उनको लेकर बयान दिए जाते हैं, भगवान मंदिरों को लेकर विवाद क्रिएट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा हो चुका है। क्या हिंदू त्योहार, हिंदू भगवान, हिंदुओं के धार्मिक स्थल, क्या यही सब है? क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन के रह गया है?
इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले निरंजन पोद्दार जो हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सेशन कोर्ट से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है निरंजन साहब, मैं ये कह रहा था कि हम लोग लगातार देख रहे हैं, हम लोग बार बार देख रहे हैं कि ऐसे विज्ञापन, ऐसे एड्स, फिल्में भी बनती हैं जिन पर कहीं ना कहीं हिंदुओं के देवी देवताओं, धार्मिक स्थलों या उनके त्योहारों को लेकर कोई ना कोई टीका टिप्पणी होती है, जिसको लेकर विवाद पैदा होता है। अब ये फैशन सा बन चला है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हिंदू धर्म की जो सहिष्णुता है, इसी का कदाचित नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अब मैं आपको इससे इतर एक कालांतर में लेके चलता हूँ। मेरे पास इको बहुत आ रहा है आपके यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा पीसीआर से कि जरा ऑडियो को डाउन करिएगा। ठीक है जी, ऑडियो डाउन हो रही है, बिल्कुल ऑडियो को डाउन करो। ऐसा है, हाँ ठीक है, लड़ने वाले ऐसा है अभिषेक जी, नहीं कावेंद्र नाम है, कावेंद्र, सीमा समृद्धि, सॉरी कावेंद्र जी। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के ऊपर, यानी कि जो सनातनी है इनके ऊपर जी, एक मिनट रुकिएगा, मैं कहूंगा जरा ऑडियो एक बार बंद हो जाएगा उसके बाद, चलिए ठीक है। हाँ, आप बात रखिए। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ का जो सनातन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, इसके ऊपर 500 साल तक मुगलों ने राज किया और लगभग 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। और इस चीज की बहुत बड़ी विडंबना है कि 500 साल और 200 साल के विदेशी शासन के अंदर जो हमारी संस्कृति का हरासमेंट नहीं हुआ था, जो हमारी संस्कृति का जो हमारी संस्कृति वैसी की वैसी बची हुई थी, आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमारा मान मर्दन किया, हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को वो नहीं नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहे थे, हम उनसे लड़ रहे थे। और जो पिछले 70 साल के अंदर जो स्वदेशी सरकारें हैं, हमारे जो स्वदेशी शासन है, उसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो आज एक सेकंड इस स्वदेशी शासन के अंदर हमारा जो आज हमारा जो संस्कारों का, हमारी जो संस्कृति का जो हरासमेंट हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी भी अगर ये समाज नहीं जगा, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज आप जैसे लोग इस मीडिया क्षेत्र में हैं और वो जो जनता जो सोई हुई है उसको जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं और हर चीज के ऊपर, हर मुद्दे पे आज आवाज उठा रहे, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कम से कम मीडिया क्षेत्र में कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है, कोई चैनल ऐसा है, कोई संस्थान ऐसा है कि जो इन चीजों को उठाता है। नहीं, पिछले 70 साल से ऐसा होता आया है कि हमें जिस तरीके से स्लो पॉइजन दिया है और हमारा जो सनातनी समाज है वो इतना सहिष्णु है कि वो उसको अगर आप किसी पीर पैगंबर की मजार के ऊपर भी कहेंगे कि वहां जाने से आपके दुख दर्द की पीड़ा कम होगी या ये होगी, वो उसको भी स्वीकार कर लेगा, वहां पे भी वो फूल चढ़ाना चालू कर देगा, वहां पे भी वो पूजा अर्चना चालू कर देगा। हम लोग इतने सहिष्णु है, इसको आप नहीं, निरंजन जी, निरंजन जी, मेरा जो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, निरंजन जी ये बताइए, ये लोग तो बार बार, ये जो एक लॉबी है ये बार बार छेड़ती है, ये देख रही है कि कितनी टॉलरेंस है आपके अंदर, जैसे ही इनको लगता है कि फायर बैग मिला है, कोई मतलब इनसे विरोध कर रहा है, वैसे ये पीछे हट जाते हैं, लेकिन इनका जो काम था वो तो ये कर निकल जाते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको इसी के अंदर आपकी की बात में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जो पिछले 70 साल के अंदर हमें कितना धीमा जहर पिलाया गया है, चाहे वो हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पिलाया गया हो, चाहे हमारे जो हमारी जो मीडिया, ये जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसको मैं कहूंगा कि एक समझ लीजिए, इसको हमने जिस तरीके से इन्होंने हमारे को मीठा जहर पिलाया, चाहे हमारे इतिहासकार हो, मैं उनको इतिहासकार नहीं, मैं उनको छद्म इतिहासकार कहूंगा कि जिन्होंने महाराणा प्रताप को छोड़कर के अकबर को महान बताया गया। और उसी तरीके से हमारे जो, मैं तो यूं कहूंगा, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था ने जिस तरीके से आंखें मूंदी हुई थी और जिस तरीके से जो कल्चर इन्होंने पैदा किया, उस कल्चर के अंदर ये सारी चीजें
सार्वभौमिक थी। आज से पहले आपने देखा होगा, चाहे किसी को अवार्ड मिल रहे हैं, चाहे भारत रत्न मिल रहे हैं, चाहे कोई भी मिल रहे हैं, किसको मिल रहा है? मकबूल फिदा हुसैन को यहाँ का आइकॉन, मतलब भारत का आइकॉन किसको दिखाया गया? मकबूल फिदा हुसैन को भारत का आइकॉन दिखाया गया, जो जो माता सीता करोड़ों 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 करोड़ सनातनियों की पूजनीय है, उनकी जिन्होंने नग्न तस्वीर बनाई, उनको इन्होंने एक भारत का आइकॉन विश्व के अंदर, मतलब यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के जो मैं कहता हूँ तथाकथित बुद्धिजीवी, या यूं कह लीजिए जो यहाँ के जो कर्तम करता जो लोग थे, जो लुटियंस गैंग जिनको हम लोग नाम देते हैं, जो जो पत्रिकाओं के अंदर, जो मीडिया के अंदर, जो लाइमलाइट के अंदर जो रहते हैं, उन लोगों ने, कम्युनिस्ट मानसिक विचारधारा वाले लोगों ने यहाँ के हिंदुस्तान का जो सनातनी समाज है उसका जिस तरीके से, जिसका मैं कहूंगा बलात्कार आज तक करते हैं। ठीक है निरंजन साहब, ठीक है निरंजन साहब, आपने जो बात जोड़ी उसके साथ मैं एक और बात जोड़ देता हूँ कि हम दिल्ली की सड़कों पर जाते हैं, इसी लुटियंस दिल्ली की जब सड़कों पर जाते हैं तो अकबर रोड दिखती है, बाबर रोड दिखती है, मानसिंह रोड भी दिखती है जो इनके सेनापति थे, लेकिन कहीं भी महाराणा प्रताप रोड नहीं दिखती, पृथ्वीराज चौहान रोड नहीं दिखती, क्यों नहीं दिखती? श्रीमान, ये पूरा का पूरा मुगल काल नजर आएगा आपको वहां पे। जी बिल्कुल ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ शैलेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, शिवसेना के जिलाध्यक्ष, शिवसेना से हैं। ठीक है शैलेश शर्मा साहब, ये जानना चाहूंगा आपसे, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि बार बार जो है हिंदू त्योहारों को लेकर ही विवाद क्यों पचता है, बार बार जो है अगर पानी बचाना है, प्रदूषण के खिलाफ लड़ना है, कुछ भी करना है, कुछ भी बढ़िया भला काम करना है, तो वो हिंदू त्योहारों पर चोट करके ही क्यों करना है? एक फैब इंडिया नाम की एक कंपनी है शैलेश जी, उसने एक विज्ञापन निकाला है, वो कहते हैं कि दिवाली को, अब दिवाली नहीं, दरअसल उनके हिसाब से एक रिवाज की तरह मनाया जाएगा, बताइए क्या कहते हैं इस पर? जैसा कि हम सभी हिंदू भाई जीते हैं, अधिकतर लोगों के हिंदू त्योहार में संप्रदाय देखने को मिलते हैं, और अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे हिंदू के ऊपर प्रहार किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही, आप शिवसेना से हैं, शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, बॉलीवुड लगातार इसका एजेंडा चलाता है, बरस दर बरस हर बार यही एजेंडा देखने को मिलता है, उनको फिल्में बनानी है तो हिंदुओं को, संस्कृति को लेकर बनाएंगे, उसी पर विवाद को चरम देंगे, उनको फिल्में बनानी है, पिक्चरें बनानी है, मूवीज बनानी है तो बड़े जो हिंदू राजा थे उनकी महारानियों को लेकर फिल्में बनाएंगे, बार बार क्या सनातन को लेकर इसी तरीके से विवाद को उपजते रहेंगे, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है? नहीं, सनातन को लेकर कभी भी कोई ऐसी मूवी नहीं बनी है, और अगर बनी है तो उसका विरोध किया जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, विरोध तो होगा ही, ये लोग आपके टॉलरेंस लेवल को तो चेक कर रहे हैं, कितने सहिष्णु हैं आप, यही तो चेक किया जाता है, अगर आपने उस मूवी को क्रेडिट दे दिया तो अगली फिल्म और ज्यादा हिंदू विरोधी बनेगी। नहीं, इस मूवी को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, बहुत गंभीर विषय है जिस पर चर्चा हो रही है आज, इसको स्पेसिफिक मत कीजिए। जी जी हाँ। बिल्कुल, मैं बात कर सकता हूं, और जो कि ये दिवाली का पर्व है, उसके लिए बहुत ही, मतलब विशेष धर्म विशेष कि हमारी माँ लक्ष्मी पूजा की जाती है, और सभी के लिए एक, शिवसेना को हो क्या गया है? शिवसेना कल तक जो दहाड़ती थी, जो हिंदुओं को लेकर जो दहाड़ थी, उसको क्या हो गया है? आप सेकुलर की जब से आपने चादर ओढ़ी है, इतना अटक अटक कर, इतना रुक रुक कर, इतना सोच सोच कर, समझ समझ कर, आप कब से बोलने लगे? शिवसेना जब से पहले थी, जैसे पहले थी वैसे अब भी है, और ठीक है, अब आपकी आवाज में तेजी आई है, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। सोच समझ के इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी शब्द होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो कभी भी कुछ ठीक है, चलिए आपकी पॉइंट मुझे मिल रहा है, लेकिन सोच समझ के, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जब हिंदुओं की बात होगी तो कभी वो पीछे नहीं हटेंगे, ना उनकी पार्टी पीछे हटेगी, ठीक है, तो अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो बाला साहब ठाकरे की वो मुझे सीख याद आ गई, ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ मैच की बात हुई तो पूरा ग्राउंड खुदवा दिया था बाला साहब ठाकरे, उन्हीं की पार्टी है ना ये, जी
जी, जब 6 दिसंबर को लेकर बातचीत होती है तो बाला साहब ठाकरे खुलकर बोलते थे अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने वाले भी हमारे शिव सैनिक भी थे, बाला साहब संरक्षण में। ठीक है, मैं वही जानना चाहता हूँ शिवसेना की महाराष्ट्र में, ठीक है आपकी सरकार है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लगातार जो फिल्में बनती हैं, एड्स बनते हैं, लगातार इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि हिंदू संस्कृति पर जो चोट करना, हिंदू त्योहारों पर जो चोट करना, हिंदुओं को किस तरीके से कम आंका जाना, ये लगातार जो कोशिशें चल रही है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर एक वायरस की तरह इसको फैलाया जा रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उद्धव ठाकरे से बात की जाएगी, बात नहीं। और चले ठीक है निरंजन जी पर आऊंगा, ठीक है निरंजन जी पर आऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है शैलेश जी, आपका मुझे मिल गया आपका जवाब मिल गया, ठीक है निरंजन जी पर आऊंगा, ठीक है निरंजन जी पर आऊंगा। निरंजन जी मैं ये जानना चाह रहा था कि ठीक है ये जो मुद्दा है इसको लेकर जो बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है इसको हम लोग ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी आपसे टेक लेकर इसको मैं यहाँ पर खत्म करूंगा कि आखिर ये जो लगातार कोशिशें हो रही हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्लो पॉइजन है, बहुत स्ट्रेट और डायरेक्ट बात कही आपने, लेकिन इसको समझ क्यों नहीं पा रहे जो बाकी लोग हैं, इसको समझ क्यों नहीं पा रहे, सेक्युलर की जो ये चादर है इसको ओढ़कर कब तक सोना होगा? नहीं, इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज जागृत हो रहे हैं, आज आप इस पे आवाज उठा रहे हैं, आज का आपका चैनल इस पे प्रोग्राम कर रहा है। आज तक मुझे एक बात बताइए, आज तक कितने चैनल हैं जो ऐसे ऐसी चीजों पे प्रोग्राम करते आए हैं? ये अखबारों के अंदर छोटी सी न्यूज कभी मिल गई तो मिल गई ऐसी चीजों के ऊपर, चाहे जूतों पे गणेश जी की फोटो उतार देंगे कि कोई कंपनी जूते चप्पलों के ऊपर गणेश जी की फोटो उतार देगी, बेचते हैं मकबूल फिदा हुसैन, हाँ मकबूल फिदा हुसैन चाहे पेंटिंग के अंदर माता सीता का नग्न चित्र बना दे, आज तक कहां ऐसी न्यूज बनती आई है, कहां लोगों ने आज तक इसके ऊपर विमर्श किया है? लेकिन ये हमारे लिए एक नया सवेरे की तरह है ना कि आज आप इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस पे विमर्श कर रहे हैं, आज आवाज उठा रहे हैं और हम इसके ऊपर अपना विचार रख रहे हैं। आज एक ये ट्विटर चर्चा चर्चा जो निरंजन जी जो चर्चा नहीं हुई उसका ही तो परिणाम है, तनिष्क ने ऐड निकाला, निश्चित रूप से उसने ऐड निकाला, फिर उसके बाद एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स मखौल बनाते हैं रामायण का, उसके बाद आज ये फैब इंडिया, ये बार बार जो चीजें हो रही हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये गलती से हो जाती है, ये साजिश का नतीजा है भाई साहब। इसके अंदर मैं तो सकारात्मक पहलू ये देख रहा हूँ कि ये सब चीजें होने के बाद में उनको अपने वीडियो डिलीट करने पड़ रहे हैं। नहीं, आज तक कहां डिलीट हुए हैं ये बताइए मुझे आप, आज तक तो उनको सरकारी संरक्षण मिला है, ऐसे लोगों को जो सनातनियों का अपमान करता है उनको सरकारों ने सिक्योरिटी दी है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, कोई हिम्मत कर सकता है? सार्ली अब्दो ने एक छोटा सा कार्टून छाप दिया था, वहां पे कैसे लाशें बिछ गई थी, तस्लीमा नसरीन आपके सामने है, सलमान रश्दी आपके सामने है, कि जिसके अंदर तो उन्होंने क्लियरली किसी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक शब्द नहीं लिखे हैं, वो भी उनको आप दीर्थी कह सकते हो कि उसके ऊपर लगा सकते हो कि भाई ये किसी धर्म के विरुद्ध जा रहा है, उसके बावजूद करोड़ों करोड़ रुपए उनके सर के ऊपर इनाम भूल जाता है। और आज आपने देखा होगा, अभी दो बहुत ताजा बात है, सिंगू बॉर्डर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के ऊपर एक आदमी की नरसंस हत्या कर दी जाती है, कुछ लोग उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उसने बेअदबी करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ मिलनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन कानून के दायरे में मिलनी चाहिए, लेकिन सनातनी समाज वो काम नहीं करता है। सहिष्णु होने का जो जरा दारोमदार है, जो ठेका है, वो सिर्फ सनातन समाज ने उठा रखा है। आप कितना भी आप बेइज्जत करती रहिए, सबको बर्दाश्त करना होगा, सारा जहर पीने का काम दरअसल हमारा है, ऐसा लोगों को लगता था लेकिन अब नहीं। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुका है विवेक श्रीवास्तव साहब। विवेक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। विवेक जी, हम उसी बात पर चर्चा कर रहे थे जिस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता दरअसल। विवेक जी, हम ये देख रहे थे कि बीते एक लंबे समय से लगातार हिंदू त्योहारों को लेकर जो एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कहा जाता है होली पर पानी का प्रयोग मत करो, पानी बचाओ, दिवाली पर कहा जाता है कि पटाखे मत जलाओ, इससे प्रदूषण होता है। इसके साथ ही अब फैब इंडिया कह रहा है कि दिवाली को दरअसल जश्न रिवाज की तरीका बना, ये क्या है?
चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ बीजेपी से शायद हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव साहब के साथ कॉन्टैक्ट हमारा टूट गया है, चलिए कोई नहीं। चलिए तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद जो जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। निरंजन साहब आपका धन्यवाद, शैलेश जी आपका धन्यवाद। आज चर्चा हमारी ये थी कि आखिर हिंदू त्योहारों पर लगातार और बारंबार ये चोट क्यों खींचा रही है, क्या सारा दारोमदार, क्या सारा ठेका सहिष्णु होने का, सारा ठेका जहर पीने का सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है, क्या सिर्फ सनातन समाज ही इस चीज का इस बेड़े को उठाकर बैठा है कि बार बार एक लॉबी है, बार बार कुछ लोग हैं जो हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं के भगवानों पर बार बार कुछ भी अनर्गल कहते रहेंगे और हिंदुओं को उसको बर्दाश्त करना होगा। अगर उनको ऐसा लगता है तो अब उनके लिए एक ही मेरा जवाब है, बहुत हुआ बस। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सत्यमेव जयते में, और सत्यमेव जयते में हम आपको उन्हीं मुद्दों पर आपके सामने चर्चा करेंगे जिस पर दरअसल चर्चा करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि यहां सिर्फ सत्य की बात होगी और आखिर में सत्य की ही जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।